नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत दिनों से हमने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है और आज का जो ये माहौल है आपको बदला हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड से सीधे व्हाइट बोर्ड पर आए हैं। इसके पीछे का वजह है कि जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि हमारा ऑफिस शिफ्ट हो रहा है और इसकी वजह से कुछ परेशानियाँ होती हैं, जैसे यहाँ से वहाँ स्मार्ट बोर्ड शिफ्ट करना, पूरा ऑफिस शिफ्ट करना थोड़ा सा टफ काम होता है। तो इस प्रोसेस में अभी तक हमारा ऑफिस जो है पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो पाया है और बहुत ज़्यादा गैप भी हो गया। अक्टूबर में आपका एक भी लेक्चर नहीं आया, ना नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का आया, ना छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का आया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको नहीं मिली हैं, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, चीज़ें सामान्य बहुत जल्द हो जाएंगी। तो आने वाला जो एक से दो वीडियो है आपको इसी तरह से व्हाइट बोर्ड पे ही मिलेगा, दो या तीन भी हो सकता है। और जैसे ही सारा सेटअप रेडी हो जाएगा आपको वैसे ही हाई क्वालिटीज़ के वीडियोस जो हैं स्मार्ट बोर्ड के साथ में मिलना शुरू हो जाएगा। तो दो से तीन वीडियो की बात है, उसके बाद हम वापस से नए उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे जैसे किया करते थे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी हम जो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ने वाले हैं, तो जिस तरह से कंटेंट स्मार्ट बोर्ड में होता था, जिस तरह से हम वहाँ एक्सप्लेन करते थे, यहाँ एक्सप्लेन उसी तरह से करूँगा, लेकिन कंटेंट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराता हूँ, तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे वैसे ही अवेलेबल करा दूँगा जैसे पहले कराया करता था। तो आप लोग पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। यहाँ हर एक टॉपिक का मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और पीडीएफ जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको और हेल्प मिले। पीडीएफ कहाँ मिलता है ना, आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर। तो जो लोग नए हैं या जिनको अभी नहीं पता है पीडीएफ कहाँ मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जाकर, यानी कि उसके एप्लीकेशन पर जाकर कंपटीशन कम्युनिटी सर्च कीजिएगा, या फिर टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में भी पिन किया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो जहाँ से आपको सुविधा मिले आप जाइए, पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिला है। तो ये आपका चाहे एसआई का एग्ज़ाम होने वाला हो, चाहे व्यापम का एग्ज़ाम होने वाला हो, चाहे सीजीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला, कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के नए चीफ जस्टिस के तौर पर किन की नियुक्ति की गई है। तो नाम याद रखिएगा, अरूप गोस्वामी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो क्रम भी आपको याद होना चाहिए कि 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है अरूप गोस्वामी को। 13वां मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया था, यानी कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 13वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे रामचंद्र मेनन। इनका भी नाम याद रखिएगा, हाल ही में रिटायर हो गए हैं। इनके स्थान पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे थे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। लेकिन प्रशांत कुमार मिश्रा का भी नाम आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रशांत कुमार मिश्रा को जो है आंध्र प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है इनके साथ में। इसके साथ में और भी कुछ जजों को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हाईकोर्ट भेजा गया है किसी न किसी राज्य में। तो पूरा एक लिस्ट है जिसमें 8 से 9 न्यायाधीश हैं, तो उनका लिस्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा कम्प्लीटली। लेकिन सीजीपीएससी के लिए जितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ, लेकिन पीडीएफ मैं बार बार बोल रहा हूँ, जरूर डाउनलोड कीजिएगा। प्रशांत कुमार मिश्रा जो कि छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे थे, इन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब अरूप गोस्वामी जो है इससे पहले इसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि आंध्र प्रदेश के। अब अरूप गोस्वामी आए कहां से हैं, यानी कि इनका जन्म स्थान कहां है, कहां के रहने वाले हैं, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो ये रहने वाले हैं असम के, ठीक। चलिए इसके बाद आगे हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की तरफ भी चलते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी बात छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बारे में भी करेंगे, क्योंकि हम शुरू से ये करते आए हैं कि डायनेमिक पार्ट के साथ साथ में हम थोड़ा स्टैटिक पार्ट भी जरूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों या फिर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो ये है आर्टिकल 217। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या फिर हाई कोर्ट के सिर्फ जज हों, इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद। और ये सारा प्रोसेस
किस सिस्टम के तहत होता है, तो कॉलेजियम सिस्टम के तहत होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि 217 के तहत ही अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श के बाद किया जाता है। अगर उसी हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति करनी है तो उसमें उसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श शामिल होता है। अब यहाँ पर मैंने एक सिस्टम का बात किया था, वो है कॉलेजियम सिस्टम। तो यह सिस्टम क्या है, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, यहाँ पर जो जजों की नियुक्ति की जाती है वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम में 5 मेंबर होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। ये कॉलेजियम सिस्टम होता है और यही जो सिस्टम है, आपका तीसरा न्यायाधीश मामला आया था 1998 में, इसी के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कॉलेजियम सिस्टम पे अगर हम एक्सप्लेन करें तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर कभी हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन जितना अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उतनी बातों को ध्यान रखिएगा और मैं आपको यहाँ पर बताते भी चल रहा हूँ। तो याद रखिएगा, तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 के तहत में कॉलेजियम सिस्टम में 5 मेंबर होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठतम जो वहाँ के न्यायाधीश होते हैं वो, और यही सिस्टम तय करता है। फिर सरकार को परामर्श करता है, सरकार को रिकमेंड करता है कि इन्हें मुझे जज के तौर पर नियुक्त करना है, और फिर सरकार उनका आगे का प्रोसेस करती है, उन्हें नियुक्त करती है। ठीक, अब हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बारे में भी 2 से 3 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, खासकर चांसेस हैं कि आपका एसआई या फिर व्यापम के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाए। तो सबसे पहला पॉइंट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 2000, ये आप याद रखिएगा। किस अधिनियम के तहत हुआ, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का गठन किया गया। ये देश का 19वां हाईकोर्ट है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है, और इस बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का न्यायधानी भी कहा जाता है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना में, यानी कि इस योजना की वेबसाइट पर जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके आधार पर इस योजना की इंप्लीमेंटेशन के लिए छत्तीसगढ़ को 4th रैंक प्राप्त हुआ है। हो सकता है यहाँ पर इस बोर्ड पर विजिबिलिटी थोड़ा सा कम हो, एडजस्ट कीजिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, और पीडीएफ को जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। तो मैं बोल रहा था कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन में छत्तीसगढ़ को पूरे देश भर में 4th रैंक प्राप्त हुआ है। आधार क्या है, तो आधार है इस योजना की वेबसाइट पर जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो इसका आधार है। तो ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ को 4th रैंक मिला है, ये आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भी याद रखिएगा कि इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में जो छत्तीसगढ़ को 100 में से नंबर मिला है वो 79.67 है। तो ये आंकड़ा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगली कड़ी में हम ये जानते हैं कि आखिर सांसद आदर्श ग्राम योजना है क्या और किस उद्देश्य के साथ में ये शुरू किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ अगर 4th रैंक पे है तो 1st रैंक पे कौन है, 1st रैंक पे है तमिलनाडु, 2nd पे है आपका उत्तर प्रदेश, और 3rd स्थान पे है आपका गुजरात। तो बस आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ का रैंक याद रखना है। ये बेसिक जानकारी के लिए अगर आप याद रख सकते हो तमिलनाडु का नाम 1st रैंक पे, 2nd रैंक पे आप उत्तर प्रदेश का नाम याद रख सकते हो, या फिर 3rd पे गुजरात का नाम याद रख सकते हो, लेकिन छत्तीसगढ़ का याद जरूर रखिएगा, 4th रैंक पे है। अब सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई, तो 2014 में की गई, जब नई सरकार का गठन हुआ था तो इन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत किया। किस उद्देश्य के साथ में किया था, यानी कि हमारे पार्लियामेंट में जितने भी सांसद हैं वो सब एक गांव को, अपने क्षेत्र के गाँव को एडॉप्ट करेंगे, और सांसद निधि से ही, यानी कि सांसदों को विकास के कार्य खर्च करने के लिए उन्हें जो फंड दिया जाता है उसी फंड से उस गाँव को डेवलप करना है, यानी कि उस गांव का समग्र विकास करना है। 2014 से लेकर 2019 तक, 2014 में सिर्फ एक गांव को एडॉप्ट करना था, लेकिन उसके बाद 2019 तक प्रत्येक सांसद को 3 गांव को एडॉप्ट करना था, और इसी के तहत सांसदों द्वारा गांव को एडॉप्ट किया गया, उन्हें डेवलप किया गया, और
इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए छत्तीसगढ़ को फोर्थ रैंक मिला है। और इसके अलावा एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि अब तक लगभग 2700 से अधिक गाँव को जो है वो गोद लिया गया सांसदों द्वारा और उनका समग्र विकास किया गया और बहुत सारे गाँव में किया भी जा रहा है। और 2019 से 24 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि एक सांसद जो है वो कम से कम 5 गाँव को अडॉप्ट करेंगे। 2014 में एक, 2019 तक 3 और 2024 तक जो है वो 5 गाँव को अडॉप्ट करने का लक्ष्य रखा गया है प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ें आगे। याद रखिएगा सांसद आदर्श ग्राम योजना है क्या, छत्तीसगढ़ का रैंक याद रखिएगा, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है आपको ये याद रखना होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, पिछले 2.5 साल में छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख बच्चे जो हैं वो कुपोषण से मुक्त हुए हैं। ये आंकड़ा हालांकि पहले भी जारी किया गया है और इस आंकड़े पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये फिर से इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हाल ही में इस आंकड़े को जारी कर नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ को सराहा है। तो हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसे डिस्कस करेंगे ताकि आपका मेंस के एग्जामिनेशन में भी ये पॉइंट्स काम आ सके। तो कंटेक्स्ट यही है कि छत्तीसगढ़ सरकार को सराहा गया है इस कदम की तरफ, यानी कि जो बेहतर कदम उठाया गया है कुपोषण को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से। तो अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए, दोनों को डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा लगभग 1.5 लाख बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं पिछले 2.5 साल में, यानी कि जब से नई सरकार का गठन हुआ है इन आंकड़ों के आधार पर कुपोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया गया है। जनवरी 2019 में जो आंकड़े जारी किए गए थे उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में 4,33,000 से अधिक बच्चे कुपोषण से ग्रसित थे। मई 2021 में जब डेटा रिलीज किया गया लगभग 2.5 साल के बाद, यानी कि दो साल कुछ महीने के बाद, तो कुपोषण की जो संख्या है, कुपोषित बच्चों की जो संख्या है वो 2,92,000 से कुछ अधिक बचा। और इस आधार पे 1,40,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कुपोषण मुक्त हुए हैं। तो ये 3 डेटा आप याद रखिएगा, 2019 का डेटा याद रखिएगा और ये जो मई 2021 का डेटा है याद रखिएगा। और कितने प्रतिशत की कमी आई है इस दौरान, तो 32% की कमी आई है। अब यहाँ पर इतनी बातों को जानने के बाद ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए गए जिसकी वजह से 32% की गिरावट दर्ज की गई है कुपोषण के मामले में। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया सुपोषण अभियान, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि इस अभियान के बाद ही छत्तीसगढ़ में जो है कुपोषण की दर में अच्छी खासी कमी देखने को मिली है। कुपोषण अभियान क्या है, तो एनीमिया और कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन जैसे समस्याओं को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2019 से, यानी कि महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर 2019 से इस स्कीम को शुरू किया गया। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी दंतेवाड़ा से शुरू किया गया था और उसके बाद पूरे प्रदेश में जब इसे इम्प्लीमेंट किया गया तो 2 अक्टूबर 2019 से किया गया। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। चलिए इसके बाद कुछ और भी यहाँ पर फैक्ट्स हम देखते हैं, कुछ और आंकड़े देखते हैं जो आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेशनल फैमिली सर्वे 4 2018 के आखिरी में जारी किया गया। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में जो माल न्यूट्रिशन की समस्याएं हैं वो हैं 37.7%, और इसके अलावा महिलाओं में जो एनीमिया की समस्या है वो है लगभग 47%, और इस समस्या में जो है इस आंकड़े में 32% की अब कमी देखने को हमें मिल रही है इन आंकड़ों के आधार पर। अब कुपोषण का अर्थ क्या है, तो कुपोषण का अर्थ अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो इन लोग 4 तरीके से इसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहला होता है नाटापन। नाटापन कहने का मतलब है कि जिन बच्चों का हाइट जो है वो उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ पाता, तो इसे नाटापन का डेफिनेशन दिया गया है। अगर हम पूरे भारत में बात करें तो नाटापन की जो स्थिति है इससे ग्रसित बच्चों की संख्या लगभग 37% है,
ये मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, और ये वैल्यू एडिशन के तौर पे आपको बहुत काम आएगा। इसके बाद आता है निर्बलता यानी कि वेस्टिंग। भारत में अगर हम बात करें तो 14% बच्चे इससे ग्रसित हैं। अब यहाँ पर बच्चों में वेस्टिंग का मतलब ये है कि उनकी जो ऊंचाई है वजन के हिसाब से नहीं बढ़ी है, तो ये वेस्टिंग के कैटेगरी में आ जाता है। और इसके बाद जो तीसरा टाइप होता है वो होता है कम वजन यानी कि अंडरवेट। इसमें आप समझ सकते हो कि उनके उम्र के हिसाब से वजन का ना बढ़ पाना या फिर उनके हाइट के हिसाब से वजन का ना बढ़ पाना, ये आ जाता है कम वजन के कैटेगरी में। तो अगर हम भारत में देखें तो लगभग 15% बच्चे जो हैं वो इससे ग्रसित हैं। इसके अलावा जो चौथा टाइप होता है वो होता है बाल मृत्यु दर, इसे भी कुपोषण में ही काउंट करते हैं। तो इस चार टाइप से यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये चार डेफिनेशन होते हैं, चार टाइप से डिफाइन किया जाता है कुपोषण की संख्या को। अब यहाँ पर 2021 का हाल ही में डेटा रिलीज हुआ है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। 2020 में भी रिलीज हुआ था, हर साल रिलीज होता है, 2021 में भी हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं बताई गई है, यानी कि बहुत ख़राब है। इंडिया की रैंकिंग है 101, लगभग 115 देशों में। हमारे पड़ोसी मुल्क इस रिपोर्ट के अनुसार हमसे बेहतर है, तो आप देख सकते हो कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन की समस्या कितनी गंभीर है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी याद रखिएगा, और जो मैंने नेशनल वाइज कुछ आंकड़े बताए उसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, चलिए बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है बायो एथेनॉल से संबंधित है। हमने इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए, और ख़ास ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं तो उसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन जो होता है वो बायो एथेनॉल हो सकता है, और भारत में इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ भी हैं, और छत्तीसगढ़ में भी इसकी संभावना बहुत अधिक है। तो इसलिए प्रीलिम्स के साथ साथ ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल ये होता है कि ये बायो एथेनॉल कंटेक्स्ट में है क्यों? तो कंटेक्स्ट में या फिर न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक इस सेक्टर के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है, और ये स्पेशल पैकेज किस प्रकार से होगा इस पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक में। तो 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली जितनी भी यूनिट्स होंगी यानी कि कंपनियां होंगी उसे ही यह स्पेशल पैकेज के तहत छूट दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई कंपनी छत्तीसगढ़ में एथेनॉल प्लांट लगाना चाहता है, बायो एथेनॉल प्लांट लगाना चाहता है, और उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो उसे इस विशेष पैकेज प्रोत्साहन राशि के तहत बहुत सारी छूट प्रदान की जाएगी। और इसके तहत अब तक जो है 15 यूनिट्स यानी कि 15 कंपनियों के साथ में छत्तीसगढ़ सरकार ने MOU साइन किया है, एक अच्छी पहल। और छत्तीसगढ़ में देखो, मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि जिस प्रकार से धान का उत्पादन होता है और पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से मक्के का उत्पादन होता है, तो छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर प्रायोरिटी दे सकती है कि इससे एथेनॉल का उत्पादन किया जा सके। किसानों को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा, और एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा, और पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस हाइक हो रही हैं उसका भी अल्टरनेट सॉल्यूशन मिल सकेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया जाता है, और पिछले 2-3 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कंसर्न्स भी होते हैं। छत्तीसगढ़ चाहती है कि आप इतना धान खरीदिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि हम इतना नहीं खरीद पाएंगे, तो ये कंसर्न्स जारी रहता है। तो अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ अगर धान से एथेनॉल का उत्पादन करने लगे तो इसके कंसर्न्स खत्म हो सकते हैं, क्योंकि जो बचा हुआ धान होता है, क्योंकि लगभग 32 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ सरकार की खपत होती है, छत्तीसगढ़ का यूज़ होता है उतना, और उसके बाद जो बच जाता है उससे एथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। और इसीलिए PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत में छत्तीसगढ़ का जो पहला एथेनॉल प्लांट है जो धान से उत्पादित किया जाएगा वो कवर्धा में स्थापित किया जा रहा है, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में, और मक्के पर आधारित जो पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है वो आपका कोंडागांव में किया जा रहा है। और प्राइवेट सेक्टर्स के साथ में और भी बहुत सारे एथेनॉल प्लांट इस्टेब्लिश किया जाना है, इस पर भी हम इस टॉपिक में आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 15 यूनिट्स हैं जिनके साथ में MOU छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कर चुकी है। अब यहाँ पर ये बात ये आता है कि ऐसे कौन कौन से प्रस्तावित संयंत्र है जहाँ पर इसे इस्टेब्लिश किया जाना है बायो एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए। तो
तो सबसे पहले मुंगेली में 3 संयंत्र स्थापित किया जाना है। आप नोट डाउन करते चलिए या तो फिर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से नोट कर लीजिएगा। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, संभावना बनता है। मुंगेली में 3 संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जांजगीर चांपा में 1 संयंत्र स्थापित किया जाएगा, महासमुंद जिले में 2, बेमेतरा में 2, रायपुर जिले में 2, बलौदाबाजार में 1 और दुर्ग जिले में 2 स्थापित किया जाएगा और अन्य जिलों में जो है वो 2 स्थापित किया जाएगा। तो इस तरह से कुल 15 संयंत्र स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। जैसे मैंने बताया कि 15 यूनिट्स जो है वो स्थापित किए जाने हैं, तो MOU किया जा चुका है। यहाँ पर एक बात नोट करिएगा कि जो कोंडा गांव वाला जो गन्ने से उत्पादन किया जाएगा वो अलग है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, और जो आपका कवर्धा वाला है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना वाला वो अलग है इन 15 से। तो इन 15 में उनको शामिल ना करिएगा। अब यहाँ पर जो प्रपोजल रखा गया है, जो प्रस्तावित उत्पादन है वो कितना होना है, तो 2370 किलोलीटर प्रतिदिन एथेनॉल का उत्पादन किया जाना छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। और टोटल जो इन्वेस्टमेंट होना है इस 15 यूनिट्स के लिए वो है 2780 करोड़ रुपए का, और इससे वैकेंसीज भी आएंगे, रोजगार उत्पन्न भी होंगे, तो लगभग 1800 वैकेंसीज जो हैं इन 15 यूनिट से छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए प्राप्त होंगे। ठीक, अब यहाँ पर मैंने शुरू में बताया कि इन यूनिट्स के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है कि अगर कोई बायोएथेनॉल वाली कंपनी जो 100 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट करती है उसे विशेष इंसेंटिव पैकेज दिया जाएगा। तो ये इंसेंटिव पैकेज किस प्रकार से होगा, तो जो छत्तीसगढ़ का इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो 2019 से 2024 तक चलने वाला है, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बायोएथेनॉल को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि इसे प्रायोरिटी बेसिस पे वहां पर शामिल किया गया है। अब जो भी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेगी और जिनका इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए से अधिक का होगा उन्हें SGST में 40% से 100% तक छूट दिया जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जिस दिन कंपनी स्थापित होगी उस दिन से लेकर 9 वर्ष तक 100% छूट दिया जाएगा, यानी कि आपको 1 भी रुपए बिजली बिल नहीं पे करना होगा। स्टाम्प ड्यूटी पर भी 100% छूट दिया जा रहा है। और इसके अलावा तकनीकी पेटेंट अनुदान, जो भी वहां पर टेक्निकल पेटेंट होता है, कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं उसके अलग पेटेंट होते हैं, उस पर भी 50% तक और अधिकतम 10 लाख रुपए तक छूट दिया जाएगा। तो ये सारी छूटें किस प्रकार से दी जा रही हैं PDF में पूरा आपको नोट किया हुआ है, तो आप PDF वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। बस मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और बात ध्यान रखिएगा। अभी जो भारत सरकार में पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल का ब्लेंडिंग किया जाता है वो मैक्सिमम 5% तक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये टारगेट है इसे 25% तक ब्लेंडिंग करना। ब्लेंडिंग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे एक आपका जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं उसे कंट्रोल किया जा सकता है, एनवायरनमेंट को भी बचाया जा सकता है, कार्बन एमिशन को भी कम किया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं और फिर भी आगे इस पर डिस्कस हम जरूर करेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, आपको याद है सुराजी गांव योजना, सुराजी गांव योजना के तहत में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 4 महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, गरवा, नरवा, घुरवा और पाड़ी। और गरवा के तहत में आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में गौठानों का निर्माण किया जा रहा था, 2019 में शुरू किया गया यह योजना। अब तक टोटल जितने गौठानों का निर्माण हुआ है उसकी संख्या है 6112, ये पूर्णतः संचालित हैं। तो इस आंकड़े को आप ध्यान रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में कितने गौठानों का संचालन किया जा रहा है, तो 6112। ये तो बात हो गया सुराजी गांव योजना। अब मैं सुराजी गांव योजना की बात क्यों कर रहा हूँ, तो न्यूज़ ये है और कंटेक्स्ट ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार के जितने भी गौठान हैं उन गौठानों में गोबर से विद्युत उत्पादन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। हालांकि अभी सिर्फ 3 यूनिट में शुभारंभ किया गया है, यानी कि 3 गौठानों में इसका शुभारंभ किया गया है, और आने वाले समय में बाकी गौठानों में भी इसका शुभारंभ किया जाएगा, यानी कि उस गौठान के गोबर से विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। एक अच्छी पहल है सरकार की, और इन गौठानों में पहले से ही वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण भी किया जा रहा था, जो कि ये भी एक अच्छी पहल थी और इसे काफ़ी सराहा भी गया। तो अब यहाँ पर कहाँ कहाँ इस यूनिट को स्थापित किया गया है, यानी कि गोबर से
बिजली उत्पादन करने के लिए कहाँ कहाँ यूनिट इस्टैब्लिश किया गया है, कौन कौन से गौठान में इस्टैब्लिश किया गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। 3 ऐसी जगह है जहाँ पर इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना को शुभारंभ कब किया गया है, इस डेट को भी याद रखिएगा, तो 2 अक्टूबर 2021 से इसे शुरू किया गया है। तो सबसे पहला है बेमेतरा जिले के राखी गौठान में, राखी क्षेत्र में जो गौठान है वहाँ पर यह प्रथम चरण में यूनिट लगाया गया है। दुर्ग के सिकोला में लगाया गया है और रायपुर जिले के बन चौरादा में लगाया गया है। तो ये 3 यूनिट से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है गोबर से। 1 यूनिट से जो बिजली का उत्पादन है वो है 153 किलोवाट का, 153 किलोवाट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है 1 यूनिट से, और लगभग 3 यूनिट से 460 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ये आंकड़े भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तीनों यूनिट से कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, तो 460 किलोवाट का। और ये भी याद रखिएगा, सुराजी गांव योजना के तहत में जितने गौठानों का निर्माण किया गया है उसके नंबर भी वर्तमान समय तक आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रदेश का पहला आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आत्मानंद स्कूल का नाम जब मैं लिया तो आपके मन में सबसे पहला यही आया होगा कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन नहीं, आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। और प्रदेश का पहला आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल जो है वो कहाँ शुरू किया गया है, किस स्कूल में शुरू किया गया है, किस ज़िले में शुरू किया गया है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि पहला आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल जो कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के तर्ज पर ही शुरू किया जाएगा। और कहाँ शुरू किया जाएगा, तो रायपुर जिले के चौबे कॉलोनी में स्थित है मायाराम सुरजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इसी को आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के तर्ज पर हाई डेवलप किया जाएगा, हाई टेक्नोलॉजी के साथ में डेवलप किया जाएगा। बेहतर सुविधाएं यहां पर दी जाएंगी जैसे कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में दिया जा रहा है। तो ये प्रदेश का जो है वो पहला आत्मानंद स्कूल होगा, हिंदी मीडियम स्कूल होगा। सबसे पहला आत्मानंद इंग्लिश मीडियम का शुभारंभ भी रायपुर से ही किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पूरे प्रदेश भर में कितने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन वर्तमान समय में किया जा रहा है। मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ, इसका आंसर आप लोग नीचे कॉमेंट डिस्क्रिप्शन में करिएगा ताकि पता चले कि आप लोग जो पीछे पढ़ रखे हैं क्या उसका बेहतर तरीके से रिवीजन हो रहा है या नहीं, या फिर आपको याद है कि नहीं। वर्तमान समय में पूरे छत्तीसगढ़ में कितने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन किया जा रहा है, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट था, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है राम वन गमन पर्यटन परिपथ। हम जब से ये स्कीम शुरू हुआ है तब से डिस्कस करते आए हैं, लेकिन अब फाइनली राम वन गमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ हो चुका है। शुभारंभ का दिनांक क्या है याद रखिएगा, 7 अक्टूबर। कहाँ से शुरू किया गया है, तो ये किया गया है माता कौशल्या का मंदिर कहाँ है, तो ये है आपका रायपुर के चंदखुरी में स्थित है। यहीं से जो है राम वन गमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ कर दिया गया है, यानी कि पर्यटकों के लिए अभी से खोल दिया गया है। माता कौशल्या का मंदिर है, यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। अब राम वन गमन पर्यटन परिपथ से रिलेटेड आपके जो प्रश्न बन सकते हैं, चाहे कोई सब एग्जाम हो, एसआई हो, व्यापम हो या सीजीपीएससी हो, यहाँ से हो सकता है। शुभारंभ कहाँ से हुआ, चंदखुरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट या बेसिक चीज़ें याद रखिएगा, माता कौशल्या के लिए जाना जाता है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के बारे में भी आपको याद रखना है। 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस स्कीम को शुरू करने की घोषणा की थी और इसे शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ में टोटल 75 ऐसे स्थानों का चयन किया गया था जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार का ये कहना था कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान यहां से गुजरे हैं या फिर यहां पर कुछ समय बिताए हैं। ऐसे टोटल 75 स्थान हैं और प्रथम चरण में इन्हें विकसित करने के लिए ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जाए, भगवान राम के जो भी आदर्श हैं या फिर जो भी जगह हैं
उस जगह की महत्वता को लोगों को बताया जाए। तो प्रथम चरण में 9 जगहों का चयन किया गया जहां पर इनका समग्र विकास किया जाना है। ये 9 जगह पहले भी बता चुका हूं, PDF में भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी यहां पर मैं कुछ जगहों का नाम आपको जरूर बताना चाहूंगा। जैसे सीतामढ़ी हर चौका कहाँ स्थित है, कोरिया में स्थित है। इसके बाद रामगढ़ कहाँ स्थित है, सरगुजा। सिमरी नारायण जांजगीर चांपा तुरतुरिया बलौदा बाजार चंदखुरी रायपुर, जहाँ से यह शुभारंभ हुआ है, रामगमन पथ का शुभारंभ यहीं से हुआ है, याद रखिएगा। राजिम गरियाबंद सिहावा सप्तऋषि आश्रम थमतरी जगदलपुर बस्तर और रामाराम सुकमा। छत्तीसगढ़ सरकार प्रथम चरण में इन 9 स्थानों का समग्र विकास करने का कार्य कर रही है। किस योजना के तहत? तो राम वन गमन पर्यटन परिपथ, इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 2019 में। ठीक, अब यहाँ पर कुछ बातें और आपको ध्यान रखना है। जैसे स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये दो ऐसी स्कीम है जिसे 2014-15 में शुरू किया गया था, और सर्किट थीम पर जो टूरिज्म प्लेसेस हैं उसे डेवलप करने का काम स्वदेश दर्शन योजना कर रही है। और स्वदेश दर्शन योजना के तहत में 2 सर्किट्स का डेवलप छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है, आदिवासी सर्किट और रामायण सर्किट। तो रामायण सर्किट के तहत, यानी कि स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट के तहत छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जिसे शामिल किया गया है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इंटरव्यू में एक लड़के से भी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं यहाँ पर ये डिस्कस कर रहा हूँ कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐसा जिला जहाँ पर रामायण सर्किट के तहत में उसका चयन किया गया है। आंसर होगा जगदलपुर, ध्यान रखिएगा। और प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्थल जिसे शामिल किया गया है, इस क्वेश्चन को भी पूछा गया था, उसका आंसर होगा डूंगरगढ़। तो इस कुछ फैक्ट्स को, इतने कुछ फैक्ट्स को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। ये है श्री धनवंतरी दवा योजना। एक जेनरिक मेडिसिन स्कीम है जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कौन से तारीख से शुरू किया गया है? तो 20 अक्टूबर तक इसे मतलब इसी दिनांक से इसे शुरू किया गया है। किस उद्देश्य के साथ में किया गया है? तो इसका उद्देश्य आप लोग समझते हैं कि जेनरिक दवाएं जो होती हैं वो बाकी दवाओं से सस्ती कीमत पर मिलती हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ के हर परिवार तक, हर सदस्य तक बेहतर इलाज की सुविधा पहुंच सके। इसलिए जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराने के लिए, दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्री धनवंतरी योजना को शुरू किया गया है। अब शुभारंभ डेट याद रखिएगा कब? 20 अक्टूबर 2021 से। अब टोटल छत्तीसगढ़ के 159 शहरों में इस योजना को शुरू किया जाना है, और टोटल इस 159 शहर में 188 जो है मेडिसिन की जो दुकानें हैं, यानी कि जेनरिक मेडिसिन की जो दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर हैं, उसे खोला जाएगा। और इसका जो MRP होगा वो बाकी मेडिसिन के कंपैरिजन में 50% मिनिमम तक डिस्काउंट उपलब्ध कराया जाएगा। जितने पॉइंट्स को बता रहा हूँ अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब टोटल कितने शहरों को शामिल किया जाना है? 168 मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे इसके तहत में, और प्रथम चरण में जो है 84 मेडिकल स्टोर्स का उद्घाटन 20 अक्टूबर को किया गया है। और यहां पर लगभग 251 प्रकार की दवाएं मिलेंगी, 27 से अधिक प्रकार का जो है वो आपका सर्जिकल किट्स होगा, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो हर्बल उत्पाद के जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका भी बिक्री इस मेडिसिन स्टोर के तहत में किया जाएगा। अब देखिए, आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आया होगा कि आखिर जो ये जेनरिक मेडिसिन दवा दुकान है, और आप कहते हैं कि बाजार की कीमत पे जो बाकी दवाओं की कीमत है उससे बहुत सस्ती मिलती है, तो क्या है इसके गुणवत्ता में भी किसी प्रकार से कमी होता है? उस दवाई के कंपैरिजन में इसकी गुणवत्ता क्या खराब होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दवाएं जो है उसी क्वालिटी की होती हैं, जितने वो प्रभावशाली होता है
उतना ही प्रभावशाली जेनरिक मेडिसिन भी होता है। भारत में लगभग 55 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि हेल्थ की वजह से गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। आप सोच लो कि एक व्यक्ति जो दिन भर में 25 पूरे महीने भर में 25,000 रुपये कमा रहा है, 30,000 रुपये कमा रहा है, जो भी उसकी सेविंग्स हो रही है, और कुछ क्रिटिकल बीमारी हो गया उसकी फैमिली में किसी सदस्य की या उसी को, और उसे बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं, 4 लाख 5 लाख 6 लाख, तो वो अपना जीवन कैसे चला पाएगा। तो इस वजह से वो गरीबी रेखा के नीचे में चले जाता है। और एक आंकड़ा है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से 55 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाई हर किसी तक पहुंच सके, इसीलिए जेनरिक मेडिसिन लोगों तक पहुँचाया जाता है। जेनरिक मेडिसिन की खास बात यह है कि यह पेटेंट मुक्त होता है, और जो भी नॉर्मल दवाइयों का फार्मूला होता है सेम फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी जो बाकी दवाइयाँ होती है, जो नॉर्मल दवाइयाँ होती है, उससे लगभग आधी कीमत पर ही जेनरिक मेडिसिन दवा जो है उपलब्ध हो जाती है। और भारत सरकार द्वारा भी जेनरिक मेडिसिन लोगों तक पहुंचाने के लिए स्टोर्स ओपन किए जा रहे थे, और ये ओपन किया जा रहा था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत। अब तक लगभग पूरे भारत में भारत सरकार की तरफ से चलाए जा रहे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 6,000 से अधिक जो है जेनरिक मेडिसिन के जो स्टोर्स हैं वो चलाए जा रहे हैं। ठीक, तो इस टॉपिक को याद रखिएगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाए या फिर प्रीलिम्स में पूछा जाए, खासकर अगर आपके से मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो जेनरिक मेडिसिन की जो के जो फ़ायदे हैं, जो उसकी पहुंच है, उस पर आप अपना कंसर्न जरूर रख सकते हैं। आप वहाँ पर वैल्यूएशन के तौर पर जरूर रख सकते हैं। भारत में आज भी क्यों जेनरिक मेडिसिन बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाए, जेनरिक मेडिसिन को लेकर लोगों में जागरूकता क्यों नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर लिखते हैं वो तो जो डॉक्टर लिखेगा वही लोग दवा लेगा ना। तो डॉक्टरों के बीच में भी ये जागरूकता होनी चाहिए, डॉक्टरों को भी ये कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों सारे जितने भी मुद्दे हैं इस पर भी आप खुलकर आंसर राइटिंग में आंसर कर सकते हो, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक, हेल्थ सेक्टर से बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा और ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हाल फिलहाल में शुरू की गई हैं और जो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो पहला है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, याद रखिएगा। दाई दीदी क्लिनिक के बारे में याद रखिएगा। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के बारे में याद रखिएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के बारे में भी याद रखिएगा। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हाट बाजार क्लिनिक योजना से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक बचा दाई दीदी क्लिनिक, हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बताइए दाई दीदी क्लिनिक के बारे में बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, और कब शुरू किया गया है ये भी बताना। ठीक, चलिए इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ में हमने पढ़ा राजकीय गीत 2019 में शुरू किया गया, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। केबीसी में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके रचयिता कौन है, तो नरेंद्र वर्मा, इनके बारे में हमने पढ़ रखा है। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी छत्तीसगढ़ के क्या हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक आपके लिए ये है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछे का लोकार्पण किया गया है। तो राजकीय गमछे का लोकार्पण किस तारीख को किया गया है, याद रखिएगा डेट 14 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे का लोकार्पण किया गया है। तो अभी गमछे से रिलेटेड, राजकीय गमछे से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ के द्वारा इसे तैयार किया गया है। गमछे की जो चौड़ाई है वो 24 इंच है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसकी जो लंबाई है वो आपका 84 इंच है, ये आप याद रखिएगा चौड़ाई और ये लंबाई। ठीक, और इसका निर्माण जो है टसर सिल्क एवं कॉटन तथा गोदना हस्तशिल्पियों द्वारा किया गया है। गोदना हस्तशिल्पियों द्वारा मतलब जो कला बनाते हैं, जो उस पर आर्ट करते हैं, वो गोदना शिल्पियों के माध्यम से किया जाता है, वही गोदना होता है। ठीक, तो इस टॉपिक को भी आप याद रखिएगा। और इस गमछे में क्या क्या शैल चित्र किया गया है और कौन कौन सी चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है, तो छत्तीसगढ़ के जो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, राजकीय पशु जो है वन भैंसा, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट, और लोक नृत्य करते हुए लोक कलाकारों का चित्र अंकित किया गया है, इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। और गमछे के डिज़ाइन में धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदर्शित करने के लिए धान की बाली तथा
हल जोतते हुए किसानों को भी प्रदर्शित किया गया है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सरगुजा की जो पारंपरिक भित्ति चित्र है उसे भी इस गमछे पर इसके बॉर्डर में अंकित किया गया है, और गमछे से होने वाले जितने भी प्रॉफिट होंगे उसका 95% जो हिस्सा है वो बुनकरों तथा गोदना शिल्पकारों को जाएगा। जो छत्तीसगढ़ में इस तरह से काम करते हैं, गोदने वाला या फिर जो बुनकर होते हैं, कपड़ा बुनते हैं, इसका प्रॉफिट 95% तक उन्हें जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला जो टॉपिक है, मुख्यमंत्री द्वारा एक बुक लॉन्च किया गया है। इस बुक का नाम है पिछड़ेपन को पछाड़ने की ललक, पिछड़ेपन को पछाड़ने की ललक। याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यह किताब से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। साहित्यकार कौन है, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्री रुद्र नारायण पाणिग्रही के द्वारा इस पुस्तक को संपादित किया गया है। बस्तर में संचालित विकास कार्यों पर आधारित है यह पुस्तक, यानी कि बस्तर में जिस प्रकार से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और जो जो वहाँ पर इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जो जो पहल किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों का उल्लेख जो है इस पुस्तक में किया गया है। तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा, किस संभाग पर आधारित है याद रखिएगा, किसके द्वारा संपादित किया गया है याद रखिएगा। ठीक, तो इतने पॉइंट्स को आपको यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड याद रखना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो सेवाग्राम पर आधारित है। आपने सुना होगा कि नया रायपुर में सेवाग्राम का स्थापना किया जा रहा है, महाराष्ट्र के वर्धा के तर्ज पर। वर्धा में महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई के द्वारा एक सेवाग्राम का स्थापना किया गया था, और इस सेवाग्राम का जो उद्देश्य था वो ग्रामीण भारत को सशक्त करना और मध्य भारत में आज़ादी के आंदोलन को कवर किया जा सके, बढ़ाया जा सके, इसलिए भी सेवाग्राम का स्थापना किया गया था। और महात्मा गांधी का यह संकल्प था कि जब तक ग्रामीण भारत का विकास नहीं किया जाता, भारत का स्थायी विकास नहीं हो सकता। तो ये सारे बहुत सारे उद्देश्य थे, और इसी के तर्ज पर महात्मा गांधी के संदेशों को लोगों तक पहुँचाया जाए, अहिंसा के ज्ञान को लोगों तक पहुँचाया जाए, ग्रामीण भारत के महत्व क्या है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, इसीलिए वर्धा के तर्ज पर नया रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना किया जा रहा है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेवाग्राम की स्थापना कहाँ किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। एरिया कितना है इस सेवाग्राम का, यानी कि कितने क्षेत्र में इसको स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा 76.5 एकड़ एरिए में इसका निर्माण नवा रायपुर में किया जा रहा है। ठीक, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, एक हाल ही में सी वोटर का मतलब है IANS, सी वोटर गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है। जब भी ओपिनियन पोल होता है, एग्जिट पोल होता है, जब चुनाव होता है, तो आपने बार बार सुना होगा कि सी वोटर के सर्वे में ये आगे चल रहे हैं, सी वोटर के सर्वे में इनकी सरकार बनने की संभावना है, इनको इतनी सीट मिल सकती है, आपने सुना होगा। तो यही IANSC वोटर का एक गवर्नेंस इंडेक्स है, जिसमें छत्तीसगढ़ के CM को टॉप रैंक दिया गया है, यानी कि लोगों के बीच में जो उनकी लोकप्रियता है वो बेहतर है। तो छत्तीसगढ़ में यह जब सर्वे किया गया, तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से नाराज लोगों की जो संख्या थी वो सिर्फ 6% था, यानी कि जितने भी लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया उसमें से सिर्फ 6% ऐसे लोग मिले कि जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नाराज थे। और छत्तीसगढ़ के बाद नंबर आता है उत्तराखंड के CM का, जो कि 10% लोग उनसे नाराज नजर आए, और 10.40% नाराज नजर आए उड़ीसा के मुख्यमंत्री से, सिर्फ इतना। और सबसे अगर बॉटम थ्री स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, तेलंगाना, UP और गोवा। तो याद रखिएगा कि इस मामले में छत्तीसगढ़ के CM जो हैं पहले नंबर पे हैं। और ये भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ग्रामीण भारत के लिए जो स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, ग्रामीण छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण एरिया में निवास करते हैं उनके लिए जो स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, उन लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रियता है और उनसे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी पहुँच रहा है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ को जो है पहले स्थान पर रखा गया। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा, उस इंडेक्स में भी छत्तीसगढ़ को लैंगिकता के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। पिछले साल जब रिलीज हुआ था तो 7वें स्थान पे था, तो इसलिए भी छत्तीसगढ़ की लोकप्रियता जो है मुख्यमंत्री की और भी बढ़ी है, इस रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है, यानी कि इस इंडेक्स में। इसके बाद अगला जो टॉपिक है,
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के आर्ट एंड कल्चर को संवारने के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए एक एकेडमी का शुभारंभ हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है और इस एकेडमी का जो नाम है वो है बस्तर। अब इस बस्तर का फुल फॉर्म क्या है, तो बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज, इसे शॉर्ट में बादल कहा जा रहा है। तो इस बादल एकेडमी का शुभारंभ कौन से ज़िले में किया गया है, तो याद रखिएगा बस्तर में। संभाग भी पूछा जाए तो बस्तर में इस एकेडमी का काम होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के जो भी आर्ट एंड कल्चर हैं उसे संजोया जा सके, उसे संवर्धित किया जा सके, उसे संरक्षण प्रदान किया जा सके। और इस एकेडमी के निर्माण में लगभग 5,70,00,000 रुपए खर्च किया गया है। और इसके अलावा यह जो बादल एकेडमी है, इस एकेडमी के साथ में इंदिरा कला विश्वविद्यालय के साथ में MOU भी साइन किया गया है ताकि दोनों मिलकर जो है बस्तर की संस्कृति को संवार सके और उसे संरक्षित कर सकें। इंदिरा कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो खैरागढ़ में स्थित है। खैरागढ़ कहाँ स्थित है, तो वर्तमान समय में वो राजनांदगांव जिले में आता है। इंदिरा कला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1956 में किया गया था। आपको जैसे पता है कि खैरागढ़ जो है एक प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे और वहाँ के जो महाराजा थे या फिर जो राजा थे उनका नाम था वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती और उनकी जो बेटी का नाम था वो था इंदिरा और उन्हीं के नाम पे इस संगीत विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। हो सकता है लेक्चर ज़्यादा बड़ा हुआ होगा क्योंकि ना तो बोर्ड है और एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत यहाँ पर यूज़ किया जा रहा था आपका व्हाइट बोर्ड, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ होगा, लेकिन हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया। PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो सारी चीज़ें बेहतर तरीके से हो जाएंगी। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 वीडियो आपको इसी तरह से व्हाइट बोर्ड पर मिलेगा, उसके बाद हम लोग फिर से बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में वापस आएंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।